फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनके बीच के फ़र्क को नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं उन लोगों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटीएम कार्ड से। एटीएम कार्ड के ज़रिए आप एटीएम से पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एटीएम कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और शॉपिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं डेबिट कार्ड में। डेबिट कार्ड के ज़रिए आप एटीएम से पैसा निकाल और जमा दोनों कर सकते हैं और इससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जनरली डेबिट कार्ड के ऊपर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या रुपे कार्ड का लोगो बने रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से पैसा निकालना और जमा दोनों नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जो बैंक के द्वारा उसके कस्टमर्स को दिया जाता है एक एग्रीमेंट पे, कि जो कस्टमर है वो बैंक को बाद में जितना भी ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट रहेगा उसको कस्टमर बैंक को बाद में पे कर देगा और बैंक उसके लिए कस्टमर को बाद में कस्टमर से चार्ज भी ले सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मेरे ब्लॉग में जाके आप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।